यहाँ मैंने 2 गिलास नॉर्मल चावल लिए हैं जो 250 ग्राम है और 25 ग्राम मैंने उड़द की दाल ली है, आधा चम्मच मेथी दाना। इसे अच्छे से धो लेंगे और 4-5 घंटे के लिए हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। जब ये चावल हमारे भीग जाएंगे, हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो पहले हम बैटर को हाथ से 3 से 4 मिनट फेंट लेंगे, इसके बाद हम इसे ओवरनाइट या 12 से 14 घंटे के लिए रख देंगे। मॉर्निंग में हम दूसरा बैटर तैयार करेंगे। 1/3 गिलास मैंने चावल का आटा लिया है, 1/2 गिलास बेसन और 1/2 गिलास मैदा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ये जो बैटर हमारा है, रात में जो मैंने बैटर बनाया था उसमें हमें ये आपस में मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें पानी डालकर ये बैटर हमको बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। बैटर को हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो फिर 30 मिनट के बाद बैटर हमारा रेडी है। तो पहले नॉन स्टिक तवे पे पानी डालकर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। जब डोसा थोड़ा सा ऊपर पक जाएगा, ऑयल डालेंगे, जब नीचे से थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। तो एक डोसा पकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। डाउनलोड मौज।